गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। तो कोई भी आपको एक डेसिमल नंबर आपको मिलेगा, उसको जो वो आपने किसी भी होल नंबर के साथ, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जो वो मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, सिंपली आपने ऐसे तो किया होगा जैसे 45 मल्टीप्लाई बाय 65, ठीक है। टू टू डिजिट के नंबर है और दोनों ही होल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है दोनों ही, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को तो आपने किया होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे नंबर को किया है मल्टीप्लाई जिसमें जो को डेसिमल भी आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे जो वो इसको करना है। तो मेथड क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई डेसिमल बाय होल नंबर, वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एज इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स, पुट द डेसिमल पॉइंट ऑन द प्रोडक्ट टू गेट एज मेनी डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट एज देयर आर इन द मल्टीप्लिकेंट। देखिए, सीधी जैसी बात है कि आपने करना क्या है, मैं आपको बता दूं पहले ही कि जैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे मेरे पास वो एक होल नंबर है, जैसे मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ, यस, जैसे मेरे पास नंबर है, होल नंबर है जैसे 45, इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने 2.5 से, ठीक है। मान लो दोनों ही होल नंबर है, सॉरी डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर दोनों ही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जब आपने मल्टीप्लाई करना है तब आप जो वो क्या करिए, डेसिमल को हटा दीजिए, ठीक है। डेसिमल को आपने हटा दिया मल्टीप्लाई करने की, अब मल्टीप्लाई आपने वैसे करना है जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जो भी आपका आंसर आ गया, जैसे मान लो 4, 5, 6, 8, मान लो ए जो आपका आंसर आ गया, ठीक है, मान लो वैसे ए इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन मान के चलो कि ए जो इसका आंसर आ गया, मल्टीप्लाई किया जब हमने। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने पर क्योंकि दोनों डेसिमल नंबर थे, तो इसका मतलब है जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा लास्ट में वो भी एक डेसिमल नंबर होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेसिमल जब वो लास्ट में कैसे लगाए, ठीक है, बस यही आपने समझना है, बाकी मल्टीप्लाई आपको करना आता है। आपने क्या करना है, दोनों नंबर को ध्यान से देखना है, दोनों नंबर के जो भी डेसिमल होगा, डेसिमल के राइट साइड की तरफ कितने डिजिट है। तो इस नंबर में देखिए, डेसिमल के साइड, डेसिमल के जो वो राइट साइड को एक डिजिट है, यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल के राइट साइड की तरफ जो वो एक डिजिट है, टोटल डिजिट कितने हुए, 2 डिजिट हुए। इसका मतलब है 2 डिजिट छोड़ करके राइट साइड से हमने जो वो यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो 1 हो गया 8, सेकेंड हो गया 6 और यहाँ पे डेसिमल लगाइए। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे मान लो अब तो आपको यहाँ पे जो भी हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय ए होल नंबर, मतलब कि आपको जो भी जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो डेसिमल नंबर नहीं होगा। अब देखिए कैसे करना है, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल है 28.654, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने मान लो 42 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 42 से। अब जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए, 2 को पहले इसके साथ और सबके साथ जो वो मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप क्रॉस लगाओगे, फिर 4 को भी बिल्कुल वैसे ही जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जो भी नंबर आ गया, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास नंबर लास्ट में आ गया जो भी प्रोडक्ट है इन दोनों का, ठीक है। अब आपने देखिए ध्यान से, जब आप प्लस या माइनस करते हैं डेसिमल नंबर को, तब तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब भी मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल आप कहीं पर भी नहीं लगाओगे, ठीक है, लास्ट में जो भी प्रोडक्ट होगा वहां पर ही डेसिमल लगाओगे। देखिए अब डेसिमल कहाँ पे लगाना है, मैंने आपको बोला कि राइट साइड की तरफ जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट है उनको काउंट करिए, उतने ही जो प्रोडक्ट में राइट साइड से काउंट करके जो लगा दीजिए, ठीक है, सीधी ऐसी बात है। यहाँ पे देखिए ऊपर ही डेसिमल है, हमारे जो यहाँ पे नंबर है ऊपर वाला, यहाँ पर ही डेसिमल है, इसके आगे जो वो 3 डिजिट है, 6, 5 और 4, 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट हो गए। अब ये जो नीचे वाला नंबर है इसमें तो डेसिमल है नहीं, अगर जहाँ पे डेसिमल नहीं होता है वहाँ पे आगे डेसिमल होता है, तो 42 डेसिमल है, 42 पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट होता है उसके आगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के आगे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ऊपर वाला ही काउंट करना है हमने, तो 3 डिजिट है, तो लास्ट में आपने 3 डिजिट काउंट करके जो वो डेसिमल लगाना है। सॉरी वो इरेज हो गया, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 डिजिट के बाद जो वो मतलब कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, तो आप इस प्रोडक्ट में जो वो 3 डिजिट काउंट करिए राइट साइड की तरफ से, 1 right to left 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई आपने वैसे करना है, डेसिमल आपने बाद में लिखना है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे इसको जो 42 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्रॉस है या 0 आप लगा सकते हो, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, तो आप क्या करिए, 3 डिजिट काउंट करिए, 1, 2, 3, तो 3 और 4 के बीच में डेसिमल लग जाएगा, 3 और 4 के बीच में डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेसिमल, मतलब कि
आपने कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल को होल नंबर के साथ। तो आपने जो वो एक्सरसाइज 5.2 के जो वो फोर क्वेश्चन आज करने हैं, एक्सरसाइज 5.2 के फोर क्वेश्चन करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे एक क्वेश्चन है 6.3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो आप ऐसे लिखिए वंस के नीचे वंस डिजिट, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई वैसे करना है, आप देखिए 7 3 जा 21, 1 आ गया 2 कैरी है, ठीक है। 7 6 का कितना होता है 42 होता है, कैरी भी थी 43 हो गया। अब ए जो अब आपका आंसर आ गया, अब डेसिमल कहाँ पे लगाएं, ए है इम्पोर्टेंट, डेसिमल कहाँ पे लगाएं ए है इम्पोर्टेंट बात। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल जो वो आपने चेक करना है, डेसिमल जो वो ऊपर जो नंबर है हमारे पास, एक ही डेसिमल नंबर होगा हमारे पास, तो एक है इस डेसिमल के बाद जो वो कितने डिजिट है, एक ही तो डिजिट है 3, तो आप एक डिजिट के बाद कॉमा लगाए राइट साइड से इसमें तो लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे मेरे पास है 6.58 इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो आप 6 से करिए, फिर जब वो 1 से करिए, फिर आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा उसके बाद जो वो यहाँ पे दो डिजिट है आगे, तो दो डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाएं। ओके, तो फर्स्ट फोर क्वेश्चन आज आप करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।